हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आप लोगों का मेरे चैनल में सिर्फ नॉलेज टेक पे। मैं हूं सिद्धार्थ, आगे हूं ऑर्डिनरी वीडियो लेकर। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, मेरे पास ऐसा प्रोडक्ट आया है कस्टम इम्पोर्टर नामक एक कंपनी से जो बहुत ज्यादा मास्टर कॉपी चीजें बनाता है। लाइक मेरे पास अभी आया है एयरपॉड्स 2 मास्टर कॉपी एडिशन, जो उसके अंदर जो फीचर्स आप लोगों को मिलता है वो वैल्यू फॉर मनी है। क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि हम जैसे मिडिल क्लास आदमी के लिए एक एक्सपेंसिव एयरपॉड्स एंड एयरपॉड्स प्रो खरीदना बहुत ज्यादा एक छोटा सा एक्सपेंस हो जाता है, बहुत ज्यादा ही एक्सपेंस हो जाता है, क्योंकि 19,000 का एक हेडफोन हो छोटा सा, तो जो भी हो हमारे जैसे लोगों के लिए बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, मेरे लिए भी। तो मैंने सोचा कि ऐसा एक प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग किया जाए जिसके अंदर आप लोगों को फीचर्स सारे मिल जाते हैं, जिसके अंदर आप लोगों को एप्पल का H1 चिप भी मिल जाता है, एंड सेम टू सेम ऑलमोस्ट वही साउंड क्वालिटी आप लोगों को इसके अंदर मिलता है। देखो, मैं इसके अंदर ये नहीं बोलूंगा कि ओरिजिनल बेकार है, ये जो मास्टर कॉपी ये सबसे बेहतर है। प्राइस को भी आपको पता ही होगा, जो प्राइस है इसका प्राइस है मात्र 999। आपको पता ही चल गया होगा कि मात्र 999 के अंदर आप लोग को ये सारे मिल जाते हैं, ये सारे फीचर्स आप लोगों को मिल जाते हैं। ये कौन सा ब्रांड अभी दे सकता है? हाँ, मुझे पता है रियलमी, वन प्लस एटसेट्रा सभी के अंदर है, बट मैं अभी बात कर रहा हूँ एप्पल के एयरपॉड्स 2 के बारे में। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जो कस्टम इम्पोर्टर ने मुझको सेंड किया है ये बहुत ही ज्यादा कमाल का है। सबसे पहले एक बात, जब आया था मैंने अनबॉक्सिंग कर लिया था, अभी इंप्रेशन के साथ अनबॉक्सिंग भी तो हो गया, अनबॉक्सिंग भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा एंड उसके बाद आप लोगों को रिव्यू भी दूंगा इसी वीडियो के अंदर, तो थोड़ा सा लॉन्ग भी हो सकता है वीडियो। वीडियो को प्लीज मैं टाइम स्टैम्प पे कर दिया हूं, आप लोग टाइम स्टैम्प में भी देखे कर सकते हो। ओके गाइस, देखो सबसे पहले ये जो एयरपॉड्स आप लोग देख सकते हो, इसके अंदर जो प्लास्टिक का जो रैपिंग होता है ना वो बहुत ही कमाल का दिया गया है, एंड जो पैकेट है कोई आपको बता नहीं पाएगा ये एक क्लोन मास्टर कॉपी है। ओके, क्लोन तो बहुत सारे आप लोगों को मार्केट में मिल जाते हैं, बट उसका क्वालिटी इतना तगड़ा नहीं होता। इसके अंदर जो क्वालिटी एंड जो साउंड बेस होता है वो बहुत ही मेरे को तगड़ा लगा। एंड चलो हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो शुरू करते हैं आज की कारवा। एंड जो जो है इस चैनल में प्लीज सब्सक्राइब कर दो। ओके गाइस, अभी आप लोग देख ही सकते हो ये है मेरे हाथ में पैकेट, तो पैकेट को मैंने कैंची से कट लिया है। तो अभी सबसे पहले इसके अंदर हम लोग चेक करेंगे प्रोडक्ट कैसा है। सो चलो भाई आगे, इसके अंदर मेरा बिल है तो बिल को हम लोग साइड कर देते हैं। बिल के अंदर है मेन आर्म का डब्बा, एयरपॉड्स का डब्बा। तो चलो भाई आगे, एयरपॉड्स निकल गया। वाह यार, बहुत तगड़ा क्वालिटी का है लग रहा है। चलो भाई इसको फटाफट से इसको ओपन कर लेते हैं। ये जो थर्मोकोल है इसको साइड कर दे, थर्मोकोल नहीं, थोड़ा सा एक कागज टाइप का है, तो चलो ये प्लास्टिक को हम लोग साइड कर देते। उसके बाद आप लोग देख सकते हो एयरपॉड्स नॉर्मल वाला है, सेकंड जनरेशन। आप लोग देख सकते हो मैं इसको कट कर रहा हूँ, प्लास्टिक पूरा सेम टू सेम ओरिजिनल वाला ही है, ठीक है। एंड इसके अंदर आप लोगों को बॉक्स मिल जाता है डिजाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया। उसके बाद हम लोग इसके अंदर एक बार चेक कर लेंगे इसके अंदर क्या है, एयरपॉड्स एंड कुछ ज्ञान की बातें। तो ज्ञान की बातें को हम लोग साइड कर देंगे अभी जल्दी से जल्द, तो आप लोग यार ज्ञान पढ़ सकते हो तो पढ़ो। तो मैं तो इसको फटाक से साइड कर देता हूँ। ये है हमारा सोना, एयरपॉड्स 2 सेकंड जनरेशन। तो भाई यहाँ पर जो क्वालिटी है मेरे तो इन हैंड फील बहुत ही तगड़ा लगा, सच बोल रहा हूँ, मेरा जो फर्स्ट इंप्रेशन है बहुत ही तगड़ा लग रहा है, सही लग रहा है हाथ में लेकर, ठीक है। एंड यहाँ पर जो पैकेट है इसको मैंने कैंची से काटा है, मैं पहले ही दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो ये जो ग्रीन लाइट है, ग्रीन लाइट का मतलब है आपका डिवाइस बहुत तगड़ा है, एकदम न्यू है। एंड इसके साथ आप लोगों को लाइटनिंग केबल भी मिलता है, बट मेरा एक सजेशन मान लो, ये लाइटनिंग केबल से प्लीज आईफोन को चार्ज मत करना, खराब हो जाएगा आईफोन। ओके, तो जो भी हो हम लोग इसके बाद ये जो डब्बा है डब्बे को ओपन करेंगे। एंड पीछे की तरफ आप लोग देख ही सकते हो पूरा सेम टू सेम एप्पल का मास्टर कॉपी है, कोई भी बता नहीं सकता कि ये एक मास्टर कॉपी पीस है एप्पल एयरपॉड्स सेकेंड जनरेशन का। आप लोग देख सकते हो मैंने ढक्कन ओपन किया एंड नॉट योर होल्ड बटन, तो आप लोगों को ब्लूटूथ ऑन कर लेना होगा अपने आईफोन के अंदर, तो आप उसके बाद होल्ड बटन, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम सेटअप हो रहा है तो सेटअप कर लेना। उसके बाद आप लोग देख सकते हो कनेक्टिंग ऑप्शन आ गया है, कितना सुंदर सा एनिमेशन हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर H1 चिप आप लोगों को मिलता है जिसके मदद से आपका जो फीचर्स है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंसमेंट हो जाता है। आप लोग देख सकते हो सिद्धार्थ एयरपॉड्स आ गया, एंड आप लोग देख सकते हो एयरपॉड्स का जो वॉल्यूम
कंट्रोल है वो भी आप लोग कर सकते हो। एंड इसके अंदर जो डब्बे का जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही तगड़ा है। डब्बे के बिल्ड क्वालिटी के अंदर जो मैग्नेटिक है, ये जो एयरपॉड्स को खींच रहे, वो बहुत ही सॉलिड है। कोई बता नहीं पाएगा फर्स्ट इंप्रेशन में कि ये एक मास्टर कॉपी पीस है। आप लोग प्लीज इसको जाके बाय कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। एंड आप लोग देख सकते हो मैग्नेट इतना हार्ड है, एक भी लूज नहीं होगा, ठीक है। आपको ये नहीं लगेगा कि आपने एक चीप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, ये बहुत ही हाई क्वालिटी एक प्रोडक्ट है। एंड आप लोग देख सकते हो इसके अंदर जो एयरपॉड्स का जो लोगो आ रहा है ये बहुत ही कमाल का है। एंड सबसे बड़ी बात, यहाँ पर जब लोग आप ब्लूटूथ के अंदर जाएंगे, यहाँ पर आप लोग एयरपॉड्स को कस्टमाइज भी कर सकते हो अपने एप्पल डिवाइस के अंदर। ये आज तक कभी नहीं हो पाया, ठीक है। तो ये आप भी कर सकते हो, कस्टमाइजेशन एकदम भरपूर है। लेफ्ट राइट में आप लोग जो जेस्चर वगैरह है वो सब यूज कर सकते हो, सीरी, नेक्स्ट ट्रैक, प्रीवियस ट्रैक, ये सब कर सकते हो, ओके। एंड इसके अंदर आप लोगों को ऑटोमेटिक ईयर डिटेक्शन भी मिल जाते हैं, जो आपको बहुत सुविधा करते हैं। एंड आप लोग को पता ही होगा कि इसका फीचर्स क्या है। एंड आप लोग देख सकते हो मॉडल नेम लिखा हुआ है, मॉडल नंबर है, सीरियल नंबर है, सब कुछ यहाँ पर आप लोगों को मिल जाते हैं, कोई भी ये बता ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये अगर आप लोग बाय करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है कस्टम इंपोर्टर का, वो लोग बहुत अच्छा प्रोडक्ट मेरे को सेंड किया है। एंड सच बात बोलो, ये जो एयरपॉड्स 2 सेकंड जनरेशन है, अगर आपके पास भी कोई भी एक एंड्रॉइड स्मार्टफोन है उसके अंदर भी ये जो एप्पल का एयरपॉड्स है ये भी कनेक्ट हो सकता है। सबसे पहले जो लीड है उसको ओपन कर लेना है, उसके बाद आपका जो कोई भी सा एंड्रॉइड फोन हो, मेरा तो MI A3 है तो मैं MI A3 के अंदर क्लिक कर रहा हूँ, तभी आप लोग देख सकते हो सिद्धार्थ एयरपॉड्स आ चुका है। अगर नहीं आता तो पीछे की तरफ जो ये जो बटन होता है इसको क्लिक करके 5 से 10 सेकंड तक रह जाना, तो आपका जो एयरपॉड्स का लोगो है वो ब्लूटूथ कनेक्शन में आ जाएगा। तो इसके ऊपर आप लोग क्लिक कर लेना, उसके बाद ये जो टिक वाला है अलाउ कर देना, उसके बाद पेयर कर देना। तो पेयर कर देने के बाद आप लोगों को क्या होगा, पूरा एयरपॉड्स आपके फोन के साथ, मतलब कि एंड्रॉइड स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को ये ट्यूटोरियल भी मैं इसी वीडियो में दे दिया हूं, ओके। तो अभी बैक टू एप्पल डिवाइस, ओके। हे सिरी, व्हाट्स द वेदर टुडे? कोलकाता। एंड गाइस, आप लोग देख सकते हो सीरी के अंदर भी मैं जो वॉइस कमांड दे रहा हूँ ये भी बहुत अच्छे से वर्किंग कर रहा है, ओके। ये जो एयरपॉड्स है आप लोग देख लो, यहाँ पर पूरा अच्छा बिल्ड क्वालिटी दिया गया है। है तो ये प्लास्टिक, बट आपको ये फील नहीं होगा कि ये एक प्लास्टिक मटेरियल का बना हुआ है। बहुत ही तगड़ा प्रीमियम क्वालिटी आप लोगों को मिल जाते हैं। आप लोग यहाँ पे जाके नेम के अंदर अपने एयरपॉड्स का जो ऑप्शन है वो भी चेंज कर सकते हो, ओके गाइस। एंड और एक गाइस आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जब आप ये जो एयरपॉड्स है इसको कान के अंदर लेंगे तो आप लोग को एक मजे सा साउंड हो जाएगा। सुनोगे मजा साउंड? चलो सुन लो एक बार अच्छे से। चिकन लेग पीस, मसाला राइस,